दरभंगा चुनाव 2024 को शांतिपूर्ण भयमुक्त और निष्पक्ष वातावरण में करवाने को लेकर दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन और दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी ने संयुक्त रूप से जिलाधिकारी के कार्यालय कक्ष में शनिवार को प्रेस वार्ता कर मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोकतंत्र में सभी मतदाताओं से कहा गया कि आप अपना मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, आपका मत बहुत ही आवश्यक है। वहीं जो कोई भी मतदाता 85 वर्ष के हो गए हैं, ऐसे मतदाताओं के लिए उनके घर जाकर बैलेट पेपर के द्वारा मतदान कराया जाएगा। इस मौके पर यह भी कहा गया कि चुनाव के क्रम में गड़बड़ी करने वाले या किसी भी तरह का आचार संहिता का उल्लंघन होगा तो ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की तिथि की घोषणा होने के साथ ही जिला प्रशासन दरभंगा स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव को लेकर तैयारी कर चुकी है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी से जिला पदाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन ने कहा कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में हमारा लक्ष्य शांतिपूर्ण वातावरण में भयमुक्त चुनाव कराना है। उन्होंने कहा कि जिले में चेक पोस्ट के माध्यम से जगह जगह छापेमारी की जा रही है। अभी तक 732 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उन्होंने बताया कि 5 देशी पिस्तल, 20 गोली और 7 देशी बम बरामद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि निरोधात्मक कार्रवाई के तहत 13,791 लोगों पर धारा 107/110 के तहत कार्रवाई की गई है और 5,829 लोगों से बाउंड भरवाया गया है। इसके अलावा अब तक कुल 12,790 लीटर अवैध शराब बरामद किए गए हैं। विनिष्टीकरण की कार्रवाई जारी है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने स्वतंत्र, निष्पक्ष व सहभागितापूर्ण चुनाव कराने को लेकर आमजनों से सहयोग की अपील करते हुए लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने का आह्वान किया। लोकसभा चुनाव को लेकर जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ इन लोगों से कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 50 प्रेस नोट जारी होने के बाद से आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में हम लोगों का 144 का आदेश निर्गत है। संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत भी हम लोग जहाँ कहीं भी सार्वजनिक संपत्ति का विरूपण किया गया है उसके संदर्भ में कार्रवाई किए हैं। प्रथम 24 घंटे के अंदर जो सरकारी प्रॉपर्टी होता है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, उससे हम लोगों ने जितने भी पोस्टर, बैनर और इस प्रकार की चीजें होती हैं उसको हटाने का काम किया है। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि फर्स्ट जो 24 आवर का रहता है उसमें 235 वॉल राइटिंग हटाए गए जो सरकारी भवनों से संबंधित, 227 पोस्टर्स हटाए गए हैं, 484 बैनर्स हटाए गए हैं और अदर टाइप के मामले जो है वो मामले रहे। जो 48 आवर्स होता है उस पब्लिक प्रॉपर्टी से कोई भी अगर वायलेशन हो रहा है उसको हटाने के लिए प्रथम निर्धारित समय अवधि रहती है, जिसमें 208 वॉल लाइटिंग, 467 पोस्टर और 273 बैनर्स उसको हटाया गया है। और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी से हटाने के लिए समय रहता है 72 घंटे का, इसमें हम लोगों ने 267 पोस्टर हटाए हैं। टोटल 499 पोस्टर हटाए गए हैं, एक दिन में 267 और एक दिन में 232, 499 और बैनर्स 853 और जो हमारा अदर्स कैटेगरीज में जो निरूपण वाला मामला है वो 9 हटाया गया है। इस प्रकार से अभियान चला करके हम लोगों ने जो भी संपत्ति निरूपण के संबंध में है पोस्टर, होर्डिंग्स, बैनर्स उसको हटाने का काम किया है। सी विजिल का ऐप एक्टिवेटेड है, अगर कहीं भी आदर्श आचार संहिता के संबंध में उल्लंघन की कोई भी जानकारी सी विजिल ऐप से प्राप्त होती है 100 मिनट में हमारी फ्लाइंग स्क्वाड की टीम है वो जाती है और वहां पर उनके संदर्भ में हम लोग अविलंब जो है उसका समाधान करते हैं। अभी तक कोई भी प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। हम लोग जो राशि है साथ में कैरी करने के लिए उसके संदर्भ में 2 मामले सामने आए थे जिसमें 5-5 लाख की राशि लेकर के लोग जा रहे थे। बाद में बीबीसी साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी है, उनकी फाइंडिंग्स भी आई है जिसमें कि ये पाया गया है कि उसका दुरुपयोग चुनाव में करने के लिए नहीं था, वो अपने व्यवसायिक कारण से उसको ले जा रहे थे तो उसमें उस हिसाब से निर्णय लेकर के छोड़ने की भी कार्रवाई की गई। तो उद्देश्य यही है कि कोई भी धन का, बल का या जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, लिंग के नाम पे या डरा के प्रलोभन देकर के कोई भी व्यक्ति मतदान को दूषित नहीं करे, जो कोई करेगा उस पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का मामला दर्ज किया जाएगा और जो भी भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में और आईपीसी में प्रावधान है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में प्रावधान है, उसके तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी।
85 वर्ष से अधिक आयु के जितने भी मतदाता दरभंगा जिले में हैं उनको 12D के माध्यम से हम लोग प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे, और जिनका भी अनुरोध प्राप्त होगा और साथ में जो हमारे PWD वोटर्स उनको भी हम लोग 12D का उपलब्ध कराएंगे। जो भी अनुरोध करेंगे उनको पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान के लिए व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ साथ एसेंशियल सर्विस के जितने लोग मतदान कर्मी हमारे जितने उन सब के लिए भी हम लोग पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कराने के लिए फैसिलिटेशन सेंटर बनाएंगे और उनका मतदान हम लोग सुनिश्चित। हमारे दरभंगा जिले में चतुर्थ और पंचम चरण में मतदान होना है, जो दरभंगा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है और समस्तीपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसमें चतुर्थ चरण में 13 मई को मतदान होना है और 20 मई को मधुबनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो हिस्सा दरभंगा में है उसमें मतदान होना है। हम लोग मतदान के लिए हर तरह से चौकस हैं, सतर्क हैं, तैयार हैं। मतदान के संदर्भ में हम जिले के लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि ये लोकतंत्र का महापर्व है, अपने अधिकार का प्रयोग करें। जिले के प्रत्येक मतदाता अपने देश के लिए, अपने लोकतंत्र के गौरव को बढ़ाने के लिए आगे आए और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। वहाँ नेता लोग भी जा रहे हैं, जो आयोजन कर रहा है उसको भी इसके बारे में स्पष्ट जो है तो गाइडलाइन नहीं है उनको लेकर, तो क्या कहेंगे दोनों चीज के जो आयोजन घाटा होगा? देखिये, इस पे भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश बिल्कुल स्पष्ट हैं। जो भी इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, या जो आपने बताया कि रमजान मिलन का या होली मिलन का कार्यक्रम है या बिहार दिवस का कार्यक्रम है, इस प्रकार के आयोजन पे पाबंदी नहीं। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि इस जगह पे जो भी राजनेता दल आते हैं वो चुनाव प्रचार प्रसार के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसकी तरफ से हम लोग जो कार्रवाई की अभी तक जो मीटिंग 20 तारीख के बाद हुआ, उसके बाद हम लोग पिस्टल 7 पकड़े थे, गोली 20 है, राउंड जो 7 है, उसके साथ साथ जो सर बताया जैसे कैश में 10 लाख 60,000 दर्ज किए थे उसको वेरीफाई करके छोड़ दिया गया, और अरेस्टिंग टोटल 880 हम लोग गिरफ्तार किए हैं और 107 में 14,145 हम लोग प्रपोजल भेजे हैं। अभी तक टोटल 6,500 है और CCA के तहत 202 लोगों को हम लोग आइडेंटिफाई किए हैं, इसमें 7 का ऊपर ऑर्डर हो चुका है और अभी तक वारंट का निष्पादन 1,771 जो वारंट निकला हुआ कोर्ट की तरफ से केस में जो हम लोग वारंट निकला हुआ है टोटल 1,771 हम लोगों को निष्पादन कर चुके हैं, तो अरेस्टिंग जो है 880 तो ये तो लगातार हम लोग रेडी चल रहे हैं। हमारे पास जो CAK कंपनी आए हैं तो लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, उनका रोस्टर बना के डेली काम हो रहा है, सुबह शाम रात और उधर थाना प्रभारी सत्तर इंस्पेक्टर DSP उन लोग भी लगे हुए हैं, हम लोग भी मॉनिटर कर रहे हैं, हम लोग भी निकल रहे हैं, पुलिस विजिबिलिटी बढ़ा दिया गया है, जो जो मेन बात गए NHA SHA और इवन गली गली में भी चेकिंग चल रहा है और शराब का भी रिकवरी हम लोग बढ़ा दिए हैं और टोटल अभी जो बूथ का है जो सेक्टर पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी उनके बूथ का वेरिफिकेशन हो चुका है और एक का मिलान कर चुके हैं हम लोग और उसका जो मल्लाविटी मैपिंग कर चुके हैं और उसका हम लोग सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट प्लान भी लगभग बन चुका है और हम लोग तैयारी के मोड में और हम लोग जल्दी से जल्दी जो कुछ बाकी काम है हम उसको भी करेंगे। तो आंकड़ा अभी मेरे पास नहीं है बट शराब का आंकड़ा हम बता दें तो आपसे भी देख और अरेस्टिंग जो गिरफ्तारी है 880 है और वारंट का निष्पादन 1,770 है, CCA 202 हम लोग प्रपोजल भेजे उसमें 7 ऑर्डर निर्गत हो चुका है और 107 के कारण में टोटल हम लोगों के हमने भेजा था 14,140 और उसमें 6,500 बॉन्डर हो चुका है और अभी कुछ बाकी है कि उनको भी हम लोग कैंप कोर्ट लगा के लगातार कार्रवाई चल रहा है और जो शस्त्र वेरिफिकेशन होता है लाइसेंसी हथियारों का उसमें 1,086 हमारे जिला में है, उसमें 911 हम लोग सत्यापन कर चुके हैं और उसमें 200 लगभग हम लोग जमा कर चुके हैं, 206 जमा हो चुका है और कुछ 12 लाइसेंस को हमको रद्द कर चुके हैं, जो रद्द भी हो चुका है
और लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जैसा जो सीएपीएफ आया है रोस्टर बढ़ा के 3 शिफ्ट में उनको ड्यूटी किया जा रहा है और उसके साथ हमारे यहाँ 4 क्यूआरटी वो भी लगातार काम कर रहे हैं, रात में होता है और उसी का फलाफल है कि 880 हम लोग गिरफ्तारी कर चुके हैं और बूथ का सारा हम लोग वेरिफिकेशन कर चुके हैं। सेक्टर पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी दोनों मिलकर वेरिफिकेशन हो चुका है और हम लोग बूथ का प्लान भी तैयार कर चुके हैं। होली पर अगर कोई भी असामाजिक तत्व के लोग किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करते हैं या कोई अफवाह फैलाते हैं तो ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। दरभंगा पुलिस तमाम गतिविधियों पर नजर रखी हुई है और होली पर्व के मद्देनजर आदर्श थाना दरभंगा लहरिया सराय में थाना अध्यक्ष दीपक कुमार व प्रशिक्षु डीएसपी दिलीप कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। लहरिया सराय थाना में शांति समिति के सदस्यों सहित आयोजित बैठक के दौरान लहरिया सराय थाना क्षेत्र के 23 जगहों को संवेदनशील चिन्हित किया गया, जिसमें 12 जगह को थाना अध्यक्ष दीपक कुमार ने अति संवेदनशील माना है। इसके अलावा भी अन्य जगहों को भी चिन्हित किया गया है। थाना अध्यक्ष ने कहा कि फोर्स की कमी नहीं है, उन्होंने कहा कि हर जगह पर पर्याप्त फोर्स तैनात रहेगी। थाना क्षेत्र को 7 भागों में बांटा गया है, हर क्षेत्र में अलग अलग गश्ती दल को तैनात किया जा रहा है। पूर्व वार्ड पार्षद सह शांति समिति की सदस्य रीता सिंह ने सुझाव दिया कि होलिका दहन के दिन पुलिस की गश्ती तो रहती ही है, शांति समिति के सदस्य भी होलिका दहन स्थल पर रहते तो शांति व्यवस्था बनी रहेगी। हालांकि शांतिपूर्वक लोग होलिका दहन करते हैं। उपस्थित वार्ड पार्षदों ने कहा कि सभी लोग अपने अपने वार्ड में रहकर होलिका दहन और होली शांतिपूर्वक मनाएंगे। बैठक के दौरान शांति समिति के सदस्य रतन कुमार, रियाज अशरफ, फिरोज आलम, सुनील कुमार पप्पू, रुस्तम कुरैशी, मोहम्मद रियाज, मनीष राज सिंह, राजेश महासेठ, जितेंद्र साह, भानु सहित अशोक नायक उपस्थित थे। वहीं आयोजित शांति समिति की बैठक में सदस्यों ने अपनी अपनी बातों को रखा। आज जो लहरिया सराय थाने में होली को लेकर के रमजान, चूंकि होली भी है 24 आने वाले 24 तारीख को और रमजान भी चल रहा है, इसको लेकर शांति पूर्ण ढंग से दोनों पर्व कैसे मनाया जाए इसके लिए बैठक थी। और इसमें मेन बात यह है कि जो सेंसिटिव एरिया है उसको चिन्हित करके वहाँ पे पुलिस बल की तैनाती, और इस बार चूंकि इलेक्शन का आचार संहिता भी लगा हुआ है उसको ही पालन करना हम लोगों को, आचार संहिता का उल्लंघन न हो इसके लिए इस त्यौहार को कैसे मनाया जाए उस पर विचार हुई है। पुलिस पूरी तरह से ये है, चौकस है, पुलिस गलत करने वाले को नहीं बख सकेगी, जो गलत करेगा वो अंदर जाएगा तो कोई बक्सर नहीं जाएगा। और डीजे वगैरह पर क्या कुछ पड़ता है? डीजे फुल्ली तौर से वो बैन है, डीजे नहीं बजेगा। डीजे के लिए एसएसपी साहब, डीएम साहब ने कल ही कह दिया कि वो एकदम पूर्ण रूप से बैन है, बल्कि उसको जब्त करने का आदेश भी दिया गया है इससे होली से पहले। तो ये मैं कहना चाहूँगा और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा दरभंगा वासियों से कि मिलजुल करके रमजान भी है और होली भी है, मिलजुल कर मनाया, शांतिपूर्ण ढंग से मनाया। मैं आपके माध्यम से दरभंगा जिला वासियों को रमजान और होली पर्व का ढेर सारे शुभकामनाएं के साथ मुबारकबाद देना चाहता हूं। आप अपना परिचय? रुस्तम कुरैशी, सचिव दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी। जी सर, आज लहरिया सराय थाना पर शांति समिति की बैठक हुई, क्या कुछ निर्णय लिया गया? देखिए, मुख्य रूप से आगामी जो होली पर्व, 24 को होली का दहन है और 25 को 90% लोग होली मना लेंगे क्योंकि सोमवार है। तो मुख्य रूप से आज जो बैठक हुई है उसको फोकस किया गया है होली का दहन 24 को। होली का दहन में जहाँ जहाँ होली का दहन होती है उसकी एक सूची बनी है और उस सूची में कुछ 12 जगहों को सेंसेटिव माना गया है, वहाँ पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कुछ ज़्यादा करके दिया जाएगा। टाइमिंग क्या? टाइमिंग है 11:13 में और 12:20 होली का दहन का जो समय है। और जिला शांति समिति के भी सदस्य आज उपस्थित थे और लहरिया सराय थाना शांति समिति के भी सदस्य उपस्थित थे। ये निर्णय हुआ है जो प्रत्येक वर्ष के भांति इस बार भी शांति समिति के सदस्य विभिन्न इलाकों में होलिका दहन को शांतिपूर्वक कैसे संपन्न कराया जाए, इसलिए जो कुछ लोग हैं वो मार्च करेंगे
और लोगों को शांति पूर्वक होली का दहन संपन्न कराने का निवेदन भी करेंगे और शांति पूर्वक होगा। और ये दरभंगा का जो लहरिया सराय है, ये एक आपसी एकता और भाईचारे का संदेश देने वाला जगह रहा। यहाँ दोनों समुदाय के लोग मिलजुल करके पर्व मनाते हैं और इस होली को भी दोनों समुदाय के लोग मिलजुल करके सामाजिक एकता आपसी सौहार्द वातावरण में बनावेंगे। यह भी एक निर्णय हुआ है कि डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध है, डीजे बजाने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। और हम लोग शांतिपूर्वक पर्व मनाने के लिए जो आज संकल्प लिए हैं, हम लोग शांतिपूर्वक इस पर्व को मनाने का, संपन्न कराने का पूरा प्रयास करेंगे। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी से जिला पदाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के द्वारा समाहरणालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर पिंक बूथ हेतु मतदाता जागरूकता रैली को रवाना किया गया। उन्होंने संवाददाता को संबोधित करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन के निर्देश के आलोक में महिला मतदाताओं की विशेष भागीदारी और मतदान में वृद्धि के लिए पिंक बूथ बनाया जाना है। उन्होंने कहा कि दरभंगा जिले के सभी महिला मतदाता आगे आए और 13 मई और 20 मई को शत प्रतिशत मतदान करे। जागरूकता रैली के दौरान सभी CDPO और महिला पर्यवेक्षिका आदि के द्वारा नारा लगाया गया कि वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालें, हम छोड़ो अपने सारे काम, चलो करें पहले मतदान आदि जैसे नारों के साथ आम मतदाताओं और महिला मतदाताओं को जागरूक किया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि प्रखंड और ग्रामीण स्तरों पर इस तरह के विभिन्न मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिला प्रशासन शत प्रतिशत मतदान कराने को लेकर कृत संकल्पित है। इस मौके पर मतदाता जागरूकता के लिए रंगोली और शपथ समारोह भी आयोजित किया गया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार, अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी नीरज कुमार दास, अपर समाहर्ता विभागीय जांच कुमार प्रशांत, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, उप निर्वाचक पदाधिकारी सुरेश कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी सदर विकास कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी बिडौल उमेश कुमार भारती, स्वीप नोडल पदाधिकारी वृषभानु कुमारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS डॉक्टर रश्मि वर्मा, जिला कल्याण पदाधिकारी मोहम्मद असलम अली, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग नेहा कुमारी और अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे। अभियान सर क्या कहेंगे? विशेष करके नारी भागीदारी को बढ़ाने के लिए आज यहाँ से रैली रवाना की गई है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश में महिलाओं की भागीदारी मतदान में बढ़ाने के लिए पिंक बूथ का भी कंसेप्ट लाया गया है। इस रैली के माध्यम से यही संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि दरभंगा की सभी महिलाएं, सभी महिला मतदाता आगे निकले और आकर के मतदान के दिन 13 मई और 20 मई के दिन जिनके क्षेत्र में जब मतदान है, निश्चित रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करें। दरभंगा के पुलिस उप महानिरीक्षक बाबूराम ने मिथिला क्षेत्र के दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी तीनों जिले के SDPO और CI के साथ समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया। पुलिस उप महानिदेशक दरभंगा के कार्यालय कक्ष में शनिवार को वहीं बैठक में कई महत्वपूर्ण बातों पर दिशा निर्देश दिए गए। बैठक समाप्त होने के बाद हमने मिथिला क्षेत्र के DIG बाबूराम से बात की तो उन्होंने कहा कि दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी तीनों जिले के SDPO और CI के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई है और इस समीक्षा के क्रम में उनके कार्यालय और आवास की क्या स्थिति है और सभी थानों का प्रतिदिन समीक्षा करने का निर्देश इन सभी लोगों को दिया गया है कि थाने में सभी काम सही रूप से संचालित हो रहा है कि नहीं, सभी लोग अपना काम अच्छी तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, इन तमाम बातों को देखने को कहा गया है। दिया गया, क्या आदेश दिया गया सर? तीनों जिला के SDPO और CI की बैठक इस बात की समीक्षा करने के लिए बुलाई गई थी कि उनके यहाँ उनके कार्यालय और आवास की क्या स्थिति है, इस बात पे जानकारी लेनी थी। दूसरा, सभी थाना का प्रतिदिन समीक्षा करने का निर्देश इन लोगों को दिया गया है कि थाना में सभी काम सुचारू रूप से संचालित हों, हर व्यक्ति अपना काम ठीक से करे। उसमें बहुत सारे बिंदु हैं, थाना का रख रखाव, साफ सफाई, सुरक्षा का काम, होली को लेकर कार्रवाई, चुनाव को लेकर कार्रवाई, इन सभी कार्रवाई की समीक्षा की गई है। होली पर्व को लेकर दरभंगा में फ्लैग मार्च निकाला गया। भारी संख्या में पुलिस सुरक्षा बलों के जवानों ने फ्लैग मार्च में शिरकत ली। इस बीच कोई भी असामाजिक तत्व के लोग माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे या पर्व त्योहार के समय बाधा डालने की कोशिश करेंगे या गलत अफवाह फैलाने की कोशिश करेंगे, ऐसे लोगों के साथ दरभंगा पुलिस प्रशासन काफी सख्ती से पेश आएगी। ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इस फ्लैग मार्च में दरभंगा के सिटी एसपी शुभम आर्य, सदर अनुमंडल पदाधिकारी दरभंगा विकास कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा अमित कुमार सहित अन्य कई पुलिस पदाधिकारी के साथ साथ कई तरह के पुलिस सुरक्षा बलों के जवानों ने शिरकत ली। लहरियासराय से फ्लैग मार्च निकालकर लोहिया चौक, बाकरगंज, दारू भट्टी चौक, इमामबाड़ी, कड़मगंज होता हुआ नीम चौक, किला घाट, मशरफ बाजार होता हुआ दरभंगा टावर चौक, लालबाग, मिर्जापुर, दरभंगा के शहर के कई प्रमुख सड़क और चौराहों से गुजरा। मौके पर हम लोग मशहूर से फ्लाई मार्च का आयोजन किया गया, इसके तहत में हम शहर के सभी संवेदनशील स्थलों को कवर कर रहे हैं और से भारी संख्या में हमने जो अपनी बाहरी फोर्स को भी सी आई एस एफ के उनको भी इस्तेमाल किया जा रहा है, थाने की सभी दलों को इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि एक समाज में एक सुरक्षा की भावना को प्रदर्शित करने के लिए हम लोगों ने ये आयोजन किया और सभी संवेदनशील स्थलों को इसमें हम लोगों ने कवर किया है। होली पर्व को लेकर हम लोग मानसिक रूप से कई बिंदुओं पर एक साथ कार्य कर रहे हैं, जिसमें कि सर डीजे पर हम लोग पूर्णता प्रतिबंध करते हुए जब्त भी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त शराब के जितने भी अपराधकर्मी हैं, पूर्व के अपराधकर्मी भी और जो जिनके बारे में सूचना है कि वो सम्मिलित भी है, उनके विरुद्ध भी छापामारी लगातार जारी है, आज भी और कल भी लगातार छापामारी जारी है। और इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जैसे ड्रोन की व्यवस्था भी की है, ड्रोन से भी और सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जाएगी, कोई भी अपराधकर्मी होता है तो ड्रोन गिरफ्तारी करके आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, जो शराब कारोबारी है होली पर्व को लेकर शहर में प्रवेश करेंगे, चूंकि शहर से एनएच भी, शहर के बगल से एनएच भी गुजरता है सर, उस संबंध में सर क्या कहना, क्या कुछ निगरानी होगी एनएच? जैसे शहर में पूरे हम लोगों ने 6 नाकाबंदी के पॉइंट रखे हैं, जिसमें हम लोग हाईवे को कवर करते हैं और कोई भी हमें संदिग्ध सूचना मिलती है तो उसमें गिरफ्तारी करने के लिए छापामारी करते हैं। इसमें वाहनों की चेकिंग भी शामिल है, तो ऑलमोस्ट हम लोग कर चुके हैं सभी मुख्य अपने जो पॉइंट्स हैं जो अन्य जिलों से लगते हैं, और उसमें अगर जो सूचना मिलती है तो हम भारी मात्रा में शराब की तो हम लोग उसमें जब्ती करने के लिए पूरा तैयार है और सजग है। कोई भी सूचना मिलती है उसके लिए हम आशा करते हैं कि पब्लिक को भी हमें सहयोग मिलेगा और सूचना जल्द से जल्द दी जाएगी, ताकि पर्व को पूरे अच्छे से मना सके और बिना किसी मतलब है कि पब्लिक अपना पर्व। सर, कहाँ से कहाँ तक फ्लैग मार्च की गई है? फ्लैग मार्च कहाँ से कहाँ तक की गई है? फ्लैग मार्च जो है पुलिस लाइन से प्रारंभ हुआ था और हसन मतलब आपका हाजमा चौक से दाहिने मुड़ते हुए पूरा मार्केट एरिया में होते हुए नगर क्षेत्र के और डेयरी सारे क्षेत्र के सभी संवेदनशील स्थलों को कवर करते हुए हुआ है। अभी हम नगर क्षेत्र के दरभंगा टावर पर खड़े हैं, इसके अलावा हम आगे जो हसन चौक है और मिलान चौक है वहाँ पर भी जाएंगे और अन्य सदर थाना के भी जो क्षेत्र है, बेटा थाना के जो क्षेत्र है, उनको सबको कवर करते हुए बेसिकली सभी संवेदनशील स्थलों को कवर करते हैं। 22 मार्च बिहार दिवस के मौके पर शहर के केवटी प्रखंड अंतर्गत ग्राम लाधा ज्ञानखंड में अवस्थित प्रियदर्शनी नर्सिंग इंस्टीट्यूट के छात्र छात्राओं द्वारा लोगों को विभिन्न बीमारियों के कारण और उससे बचाव संबंधित जानकारी देने के लिए एक रैली निकाली गई। इसके बाद महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने स्थानीय लोगों को बिहार की गरिमामयी इतिहास से अवगत कराया। इस मौके पर महाविद्यालय प्रांगण में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें क्रिकेट, चेस, कैरम बोर्ड, महिला कबड्डी, रंगोली आदि खेलों का आयोजन किया गया। सभी प्रतिभागियों को महाविद्यालय के सचिव विपिन पाठक द्वारा मेडल और विजेताओं को मोमेंटो से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के सचिव विपिन पाठक ने छात्रों को अनुशासित जीवन जीने की सलाह देते हुए बिहार राज्य के बारे में विस्तृत से जानकारी दी। समन्वयक सोहन चौधरी ने छात्र छात्राओं को सेवा समर्पण की भावना से जीवन जीने की सलाह दी। इस मौके पर शिक्षक अनुराग कुमार, तरुण देव, मानक चंद्र, विशाल टोपो, सौरभ कुमार, शिक्षिका सोनाली सिंह, रजनी कुमारी आदि उपस्थित थे।